जय हिंद दोस्तों, आरटी सेंटर नासिक में एक्स सर्विसमैन की सिविलियन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ग्रुप सी सिविलियन के पदों पर है और जो भर्ती निकाली गई है ये नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जो एप्लीकेशन मांगे गए हैं वो इंडियन नेशनल सिटीजन यानी कि इंडिया के कहीं के भी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं और नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के ही अप्लाई करेंगे, कहीं के भी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल एससी एसटी ओबीसी सभी के पदों पर जिसमें चाहे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप सी के लिए सिविलियन के पदों पर है और भर्ती निकाली गई है सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, एमटीएस, एलडीसी, कई तरह के पदों पर, जिसमें इन्फेंट्री के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड्समैन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लर्क भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्म भरा जाएगा ऑफलाइन ही भरा जाएगा, जैसे आईएमए देहरादून का भरा गया था, और उसका एड्रेस है फॉर्म भेजने का द कमांडेंट हेडक्वार्टर आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप महाराष्ट्र, पिन नंबर ये है। तो बता देते हैं कि ये 28 डेज के अंदर अंदर फार्म आपका पहुंच जाना चाहिए, तो उससे पहले आपको भर देना है। फार्म भरने की डेट 25 दिसंबर से है और अगले 25 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। तो बता देते हैं कि ये फार्म आप जल्दी से जल्दी भरें, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आगे देख लेते हैं पोस्टों की डिटेल। उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल में रोजगार से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। शुरू करें, एलडीसी के पदों पर 27 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 19 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और पीडब्ल्यूडी के लिए एक 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 करके 3 वैकेंसी हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी हैं। जो एक्स सर्विसमैन हैं वो 3 वैकेंसी हैं। इसमें जो एलडीसी के संबंधित लोकल डिवीजन क्लर्क से संबंधित सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मॉडल मेकर की वैकेंसी है, कारपेंटर की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, ये सब ट्रेड्समैन ही अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें। इसके बाद रेंज लास्कर की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, आरटी लास्कर की वैकेंसी है और बार्बर की वैकेंसी है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, एमटीएस की वैकेंसी है जिसमें वॉचमैन भी आ जाता है, वॉशरमैन की वैकेंसी है, अपने ट्रेड में ही अप्लाई करें, ध्यान रखें। एमटीएस गार्डनर की वैकेंसी है, हेड गार्डनर की वैकेंसी है। इसके बाद एमटीएस वॉचमैन की वैकेंसी है, मैं बता रहा था कि वॉचमैन की वैकेंसी 10 है और एक्सपीरियंस होना चाहिए वॉचमैनी का, तो वॉचमैनी का एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन जरूर अप्लाई करें, एक्स सर्विसमैन के लिए बढ़िया मौका है वॉचमैन के लिए। इसके बाद एमटीएस मैसेंजर की वैकेंसी है, 9 वैकेंसी हैं और एमटीएस सफाई वाले की 5 वैकेंसी हैं। तो इसमें भी आप देख लें कि ये जो वैकेंसी दी है एक्स सर्विसमैन की 3, 2, 2, इसमें ये दी है जो ट्रेड से संबंधित है उसी में अप्लाई करें। और भी वैकेंसी है जिसमें कि एमटीएस लास्कर की वैकेंसी 6 है और इक्विपमेंट रिपेयर की वैकेंसी और एमटीएस की जिसमें एमटीएस आ जाता है अदर एमटीएस में, तो 20 वैकेंसी है जिसमें एक्स सर्विसमैन केवल 4 एक्स सर्विसमैन ही लिए जाएंगे। तो ध्यान रखें, एमटीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं, वॉचमैन भी एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं और एलडीसी के पदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 107 है जिसमें कि अनरिजर्व 52 हैं, एससी के 8 हैं, एसटी के लिए 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 हैं, 24 ओबीसी के लिए 24 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 वैकेंसी हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी के लिए भी वैकेंसी हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 18 वैकेंसी हैं टोटल। और जो लास्ट में दिया है ये स्पोर्ट्स पर्सन की 3 वैकेंसी हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई करना चाहें, चाहे कहीं के भी हो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिया है एक्स सर्विसमैन के लिए ईएसएम वाले सभी एक्स सर्विसमैन हैं, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें मेन चीज़ है कि क्या एज चाहिए। एज की बात कर लें तो एज जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 वर्ष है
और एससी एसटी के लिए 18 से 30 है, ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 40 वर्ष है एलडीसी के लिए, और 35 अदर पोस्ट के लिए एमटीएस के लिए। तो ये पोस्ट जनरल के लिए 35, एससी एसटी के लिए 40 और ओबीसी के लिए 38 एज दी हुई है जो कैटेगरी पर्सन है। एक्स सर्विसमैन की बात कर ले तो एक्स सर्विसमैन की एज रहेगी डिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ सर्विस, जो पूरी एक्चुअल सर्विस की है वो डिडक्शन, प्लस 3 ईयर आपकी एज में डिडक्शन कर दिया जाएगा। तो एज के लिए कोई टेंशन नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो सभी में 10th मांगा गया है, लेकिन जो एलडीसी के पोस्ट हैं, एलडीसी लोकल डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए 12th मांगा गया है, ध्यान रखें। उसमें टाइपिंग टेस्ट चाहिए 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग में, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। तो आप जिसमें टाइपिंग कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं। और एक चीज़ दिया हुआ है, CCC सर्टिफिकेट कंपलसरी है इसमें, तो ये ध्यान रखें, इसमें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि CCC बहुत ही कम लोग करके रखते हैं, तो इसमें अच्छा मौका है, ज़रूर अप्लाई करें एलडीसी के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मॉडल मेकर की के लिए पे लेवल 2 मिलेगा, 19,900 से सैलरी होगी 63,200 रुपये, 10th पास रहेगा। और एलडीसी की भी सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये रहेगी। कारपेंटर की भी 10th पास मांगा गया है, लेकिन संबंधित ट्रेड से नॉलेज होना चाहिए आपको, तो इसलिए जो भी कारपेंटर ट्रेड से ट्रेड्समैन है, फौज के, आर्मी के, एयरफोर्स, नेवी के, वो ट्रेड्समैन जरूर अप्लाई करें अपने ट्रेड से संबंधित पोस्ट पर। इसमें कुक की भी है, इक्विपमेंट रिपेयर की भी है, 10th पास, सभी में 10th पास मांगा गया है, मात्र एलडीसी में अलग मांगा गया है 12th पास। इसके बाद बार्बर की भी है, 10th पास चाहिए, पे लेवल 18,000 से 56,900 रहेगा। वाशरमैन की भी है, 10th मांगा गया है, और एक्सपीरियंस चाहिए, मिलिट्री सर्विस का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड से संबंधित। इसके बाद एमटीएस हेड गार्डनर की वैकेंसी में आपको 10th मांगा गया है, और गार्डनिंग का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 18,000 से 56,000 सैलरी रहेगी। सारे जितने एमटीएस की हैं, वॉचमैन के लिए भी आपको ट्रेड से संबंधित, वॉचमैन में सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित आपका नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वॉचमैन में सभी एक्स सर्विसमैन को इस तरह का नॉलेज होता है। इसके बाद सफाई वाला की वैकेंसी, मैसेंजर डीआर का से संबंधित आपका ट्रेड होना चाहिए एमटीएस डीआर के लिए, ध्यान रखें। एमटीएस लास्कर, रेंज लास्कर, आरटी लास्कर और एमटीएस, एमटीएस में आप सिर्फ एक्स सर्विसमैन होना ही काफ़ी है, एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाकी फायरमैन के भी पद हैं। जो फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 10th पास चाहिए, फायर फाइटिंग का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ध्यान रखें, फिजिकली फिट होना चाहिए, और 19,000 से 63,000 तक सैलरी रहेगी उनकी, फायरमैन का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आर्मी सेना से कोई फायरमैन का कोर्स किया है तो ज़रूर फायरमैन में अप्लाई करें। इसका एड्रेस दिया हुआ, फार्म भेजने का, फार्म कहाँ मिलेगा, कैसे भेजना, उसका भी मैं जानकारी आगे देता हूँ। इस एड्रेस पर भेजना है, और आप जब अप्लीकेशन फार्म भरेंगे तो अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अपनी कैटेगरी डालना है, अगर एक सर्विसमैन है तो EWESM डालना है, EWS है तो EWS, SC ST जनरल जिस कैटेगरी में है वो कैटेगरी डालनी है। आपको डॉक्यूमेंट क्या भेजना है, फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट की भेजनी है, और सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको। इसके इसमें डालना है, भेजना है मार्कशीट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड, एक लिफाफा भेजना, 5 रुपये स्टाम्प लगा हुआ, जिसमें जैसे आपने बाकी में भेजते हैं। इसके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजनी है, डिस्चार्ज बुक भेजनी है अगर एक्स सर्विसमैन है, और वो भी जिला सैनिक बोर्ड का डिस्चार्ज बुक की जो फोटोकॉपी होगी उसको जिला सैनिक बोर्ड से अटेस्टेड कराना होगा, एकदम क्लियर रखना, जब भेजना है तो जिला सैनिक बोर्ड से अटेस्टेड कराना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस तरह की एक्सपीरियंस है आपका, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना है, फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST में ले रहे हैं रिजर्वेशन, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी देना कंपलसरी है।
अभी नेगेटिव मार्किंग होगा, जो टेस्ट होगा नेगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 मार्क कटेगा अगर गलत आंसर दिया तो। डेट ऑफ रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट का डेट आपको आगे सेपरेट बता दी जाएगी। अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको हम उसका नॉलेज, आपकी उसको जानकारी देते रहेंगे। इसके बाद कोई भी इंक्वायरी आप नहीं कर सकते हैं किसी तरह से, किसी बात से बात नहीं कर सकते हैं इनसे, डिपेंड इस डिपार्टमेंट से, ये क्लियर दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो टेस्ट होगा, टेस्ट के बारे में आपको बता देते हैं। टेस्ट जो होगा ये LDC और इनका बाकी MTS का जो भी टेस्ट होंगे सारे पोस्टों के, इनके अलग अलग दिए हुए हैं। तो LDC के लिए बता देते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होगा LDC के लिए, तो समय रहेगा 2 घंटे का। इसके बाद जो टेस्ट में आएगा, वो टेस्ट में आपके आएगा जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, स्किल टेस्ट, ये LDC के पोस्ट के लिए ये टेस्ट में आएगा, ये इसका सिलेबस रहेगा। इसके बाकी अदर पोस्टों के लिए क्या सिलेबस रहेगा उसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो अदर पोस्ट का सिलेबस 2 घंटे का टाइम रहेगा, 20 मिनट का समय रहेगा पेपर करने का, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और उसका सिलेबस जो रहेगा, सिलेबस रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इंग्लिश रहेगी, और जनरल अवेयरनेस। तो ये आपके क्वेश्चन इसमें ये सिलेबस रहेगा। इसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है उसका मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैं फॉर्म का कैसे भरना है, क्या क्या अटैच करने हैं, सारा डिटेल